बहुत दिन से जनरल फैज़ हमीद ही मीडिया पे छाए हुए हैं और बहुत सी नई नई बातें रोज़ाना आ रही हैं इनके साथ और भी कुछ लोग मलबस हैं जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं और अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन बाकी है और हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो कोई नई इन्फॉमेसन लेके आए जो पहले कभी किसी के पास ना हो और इस तरह से ज़ाहिर है कि मीडिया पे भी उनके व्यूज़ या उनकी जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा बढ़ती है ज़ाहिर है मेरे पास तो कोई इस तरह के सोर्सेज नहीं है ना कोई चिड़िया है ना कबूतर है ना कोई गैब का इल्म है मेरे पास मैं किसी जरनेल करनील को नहीं जानती ना मेरी किसी सियासतदान से ज़्यादा ज़्यादा क्या बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है और मीडिया में भी मेरे कोई दोस्त नहीं है तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी तरह ही है जो कुछ सामने आता है और फिर ज़ाहिर है कि आप जब उस पर बात करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तारीख़ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए पाकिस्तान की जो पिछली रवायात हैं हिस्ट्री है जो कुछ हुआ और फिर यह कि आप उसको अपने तरीके से जिसको हम कहते हैं कि एजुकेटेड जो गैस होता है या आप उसको उस तनाजिर में आप उस पर तबसरा कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं तो यही मैं करना चाहूंगी क्योंकि जाहिर है कि आम लोगों के पास भी यही इन्फॉर्मेशन होती है और मेरा ख़्याल है कि उनको भी इसी तरह सोचना चाहिए बजाय इसके कि आप सिर्फ मीडिया पे जो आ रहा है सिर्फ़ उसको सुनें और उस पर तबसरे करें और किसी को ठीक कहें किसी को गलत कहें हमें अपनी तरफ़ से भी उसका तज्जिया करने की ज़रूरत होती है अब आगे क्या होगा किसको सज़ा मिलेगी कितनी सज़ा मिलेगी मुझे नहीं मालूम इन बातों का लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी जुर्म पे किसी एक फ़र्द को सजा देने से वो जुर्म ख़त्म नहीं हो जाता जब तक कि आप उस मसले की जड़ तक नहीं पहुँचते और फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते तो निज़ाम जो है वो इसी से ठीक होता है तो अगर कोई भी ख़ास तौर से हुक्मरान तबका अगर उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मुखलस हैं वो नेक नियति से इस निज़ाम को सही करना चाहते हैं ठीक करना चाहते हैं तो फिर उन्हें ये जो रोज़ाना स्कैंडल्स आते हैं कभी किसका कभी किस सिस्टम वाइज उसको चेक करने की जरूरत है कि ये होते क्यों हैं और बार बार क्यों होते हैं और फिर इनका किला कमा कैसे किया जा सकता है तो जब तक आप सिस्टम को सही नहीं करेंगे ये होता ही रहेगा इस तरह मैं आपको एक मिसाल देती हूँ जो कि क्योंकि आप में से बहुत से अक्सर नौजवान ही हैं और आपको अभी इमीडिएट हिस्ट्री का ज़्यादा इल्म है तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने करप्शन के नारे पे उन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी और ये जो नारा था ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वहाँ पर लोगों को लगता है कि करप्शन ही एक मसला है जो पाकिस्तान को खाया जा रहा है हालाँकि हकीकत जो है वो उसके बरक्स है करप्शन इस निज़ाम का हिस्सा है तो बहरहाल इन्होंने कहा कि ये सब चोर डाकू हैं और उन्होंने उन को पॉइंट आउट किया जरदारी को किया उन्होंने नवाज़ शरीफ़ को या पूरी शरीफ फैमिली को किया और उन्होंने चीदा चीदा लोगों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये सब करप्ट लोग हैं ये डाकू हैं ये मुल्क को खा गए हैं और इसी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो जब मैं आऊँगा तो इसका खात्मा करूँगा मतलब करप्शन को ख़त्म करूंगा और करप्शन का जो खात्मा होता है वो तो ऊपर से शुरू होता है अगर ऊपर वाला ठीक होगा तो नीचे सारे ठीक हो जाएंगे ये वो दावे करके आए थे उससे लोगों को उम्मीद थी कि जब ये आएंगे तो ये सारी जो सिस्टम है उसको साफ कर देंगे लेकिन उन्होंने क्या किया आपके सामने है कि उन्होंने सिर्फ लोगों को टारगेट किया उन्होंने सिस्टम को टारगेट नहीं किया उन्होंने उसी सिस्टम में से वही उसी तरह के लोग जो थे उनके साथ मिलकर हकूमत बनाई तो उनका ख्याल था कि जब मैं पावर में आ जाऊंगा तो मैं इनको देख लूँगा लेकिन क्या हुआ आपके सामने है कि अगर तो ये सिंसियर होते ना अगर ये मुखलस होते तो फिर इस मसले की तय कर तक जाने की कोशिश करते कि करप्शन क्यों होती है कैसे होती है कहाँ से होती है इसमें क्या लूप होल्स हैं आपके सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं जिनकी वजह से होती है और फिर उसकी वो जो सारी उनकी जो रिपोर्ट थी वो आप पब्लिक के सामने लेके आते फिर अपनी एक लाए अमल बताते पॉलिसी बताते कि अब आपने इसके बारे में क्या करना है करप्शन को कैसे ख़त्म करना है ताकि ये जो मसला है या जो आप कह रहे हैं कि एक लानत है मुल्क पे इसको ख़त्म किया जाए तो इमरान ख़ान ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि जिनको वो कहते थे उनको सज़ाएँ भी नहीं मिली वो मुल्क से बाहर चले गए या आ, बैठे रहे चुप करके और जो ही इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई और ये लोग वापस आए पी डी एम की हुकूमत बनी तो उन्होंने अपने सारे जो वो इल्ज़ाम थे उस पर वो उन्होंने माफ़ करा लिए और वो फिर से साफ सुथरे होके पब्लिक के सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया तो ऐसा इमरान ख़ान ने क्यों किया आखिर तो देखें इमरान खान का इमरान ख़ान जब कोई ऐसा करता है ना कि वो मसले की जड़ तक नहीं पहुंचता या पहुंचना चाहता और वो सिर्फ लोगों को टारगेट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आखिरकार इसी निज़ाम से फ़ायदा ख़ुद भी फ़ायदा उठाना चाहता है और यही आपके सामने इमरान ख़ान ने इसी निज़ाम से ख़ुद फ़ायदा उठाया मतलब उन्होंने तो खाना का तो खैर सबके सामने है लेकिन उन्होंने जो ज़मीनों के मामले हैं जो बाकी चीज़ें आपके सामने अब आ रही हैं उन्होंने इसी निज़ाम से फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने लिए जो थी वो से बढ़ाए या जो भी कुछ किया उन्होंने आपको मालूम है बनी गाला में जो उनका घर है वो किस तरह से डिजिटमाइज़ किया या उन्होंने रेगुलराइज़ किया उसको अगर इमरान खान सिंसियर होते अगर उन्होंने कोई सॉलिड काम किया होता तो करप्शन शायद ख़त्म तो हम नहीं कह सकती मैं कि वो ख़त्म हो जाती क्योंकि जैसे मैंने कहा वो करप्शन जो है वो इस निज़ाम का हिस्सा है अमेरिका में भी करप्शन होती है भारत में तो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत से मुल्कों मतलब दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में होती है लेकिन वो ख़त्म ना कर सकते लेकिन शायद कुछ कम कर देते शायद लोग इतनी दीदा दलेरी से करप्शन ना करते शायद वो करप्शन करते वक्त थोड़ा सा सोचते या गलत काम करते वक्त वो सोचते लेकिन क्योंकि इमरान खान ने ना, ना सिर्फ ये इसका आ, किला कमा करने की कोशिश नहीं की बल्कि यह कि खुद भी उसी निज़ाम से फ़ायदा उठाया तो अब आपके सामने है कि करप्शन जो है वो उसी तरह से उसका बाजार गर्म है वो चाहे के पी हो वो चाहे सिंध हो वो चाहे पंजाब हो चाहे बलोचिस्तान हो जिस तरफ आप देखें जहाँ पर देखें जिस शोबे में देखें आप हकूमत के जिस शोबे में देखें आप प्राइवेट सेक्टर के किसी भी शोबे में ऊपर से नीचे तक जो है वो करप्शन ही करप्शन आपको नज़र आती है क्योंकि हर कोई जो है वो सिर्फ एक बंदे को या चंद लोगों को सज़ा देने की कोशिश करता है निज़ाम को कोई ठीक करने की कोशिश नहीं करता जैसे मैंने पहले भी कहा मुझे नहीं मालूम कि जनरल फैज़ को कितनी सजा होगी कब होगी उसमें और कितने कितने लोग शामिल होंगे एक बात तय है जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका सबसे बड़ा कसूर तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान को हुकूमत में लेके आना है उसको वज़ी अज़म बनाना है उससे मुल्क ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है लेकिन ये दरअसल इम्तहान फ़ौज का भी है इम्तहान इस्टेबलिशमेंट का भी है कि अब आइंदा वो क्या करते हैं अगर तो वो मुखल हैं अगर वो सिंसियर हैं तो फिर वो सिर्फ़ एक बंदे को सज़ा देने पर इतफ़ा नहीं करेंगे वो सिर्फ चंद लोगों को भी फांसी लटकाने पर वो सिस्टम को सही नहीं कर लेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपने अंदर जो उनका निज़ाम है जिस तरह से वो मुल्क चला रहे हैं या मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में उनका हिस्सा है उससे मुल्क को फ़ायदा क्या हो रहा है नुकसान क्या हो रहा है क्या वो इस पे इंटरनली वो अपना तज्जिया करेंगे या नहीं सेल्फ़ उसमें रियलाइजेशन होगी या नहीं कि उनकी वजह से मुल्क में जो जो गलत काम होते रहे हैं जिस तरह से मुल्क में आप समझ लें कि बहुत ही कई दफ़ा तो तबाही हुई है क्या एस्टेब्लिशमेंट इसको नकनीति से मुखलसी से एड्रेस करेगी या नहीं आई थिंक के मुस्तबिल जो है पाकिस्तान का इसी पे इस वक्त खड़ा है आ, बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को तो खुदा चला रहा है क्योंकि हुक्मरान टोले को और इनफैक्ट आम लोगों को भी इसकी फ़िक्र नहीं है लेकिन खुदा भी कब तक मुल्क चलाएगा ना आखिरकार तो ये बंदों की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुल्क को चलाना है